हेलो फ्रेंड्स, इज गीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके सामने मैं रिव्यू करने वाली हूँ एल्प्स गुडनेस का चाकुल फेस डिटॉक्सिफाइंग फेस मास्क। बट रिव्यू में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू हिट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पर भी याद से क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी ऐसी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलिए मैं अपना रिव्यू वीडियो स्टार्ट करती हूँ। गाइस, मेरे पास ये एल्प्स गुडनेस का चाकुल फेस मास्क है। इसे मैंने अपने पर्पल हॉल में भी दिखाया था और ये मैंने purple.com से लिया है। इसकी परचेज लिंक ऑफकोर्स मैं नीचे बॉटम बार में दे दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं आप अगर इसे बाय करना चाहते हैं तो। टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी ट्रू, मैंने चाकुल फेस मास्क कभी लाइफ में अपने यूज़ नहीं किया। दिस इज़ गोइंग टू द फर्स्ट वन और ये एक्चुअली फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो होने वाली है। मैंने इसे पहले कभी ट्राई भी नहीं किया है। और अगर आप इसे कॉस्ट की बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये सिर्फ 99 rupees का पड़ जाएगा आपको purple.com से। बट यस, purple.com पे सेल चलती रहती है तो मुझे तो आई थिंक ये कुछ 70 or 60 rupees का कुछ मिला था। सो अगर आपके पास बजट लो होता है तो आप एल्प्स गुडनेस के प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। सो अगर आप इसके पैकेजिंग की बात करें तो ये कुछ इस तरह के टब में आता है। यू कैन सी बहुत ज़्यादा बड़ा टब नहीं है, इसमें क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जो एक्सपायरी डेट दी है January 2019 से लेके December 2020, यानी आप इसे 2 साल तक यूज़ कर सकते हो। सो ये वाला जो चाकुल फेस मास्क है ये क्या करता है, बेसिकली ये आपके चेहरे की जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होता है उसे रिमूव कर देता है। इसके पीछे ऑफकोर्स किस तरह से आपको लगाना है सारा डायरेक्शन दिया है और इंग्रेडिएंट्स भी दिया है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है चाकुल। सो इसकी ये बेसिक डिटेल्स हो गई। अब मैं आपको इसका डेमो करके दिखाऊंगी। इसको निकाल देती हूँ और आप देख सकते हो अंदर से कुछ इस तरह का दिखता है। सो मैं अब ज़्यादा देर नहीं करूँगी, लेट्स मूव ऑन टू इट्स डेमो। सो ये मैं इसके लिए फिंगर ही यूज़ करूँगी। सो मैंने लगा लिया है। अब मुझे इसे 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रखना है फेस पे, इसको ड्राई होने देना है, उसके बाद इसको वॉश करना है। इसमें मेंशन किया है कि ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है, तो आपकी कोई भी स्किन टाइप हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसमें मेंशन किया है कि इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, नेचुरल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ा इरिटेशन हो सकता है, टिंगलिंग सा सेंसेशन हो सकता है। यस, होता है, बट वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही हल्का हल्का फील हो रहा है, बहुत ही हल्का, ना के बराबर, बट यस मुझे थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा है। अब मैं इसको ड्राई होने देती हूँ एंड लेट्स सी कि ये कितने मिनट में ड्राई होता है, देन आई विल गेट बैक टू यू। सो अब यू नो ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है, बस यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, बट ये मेरे फेस पे आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है और मैं इसे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं फेस पे रख सकती बिकॉज मेरा बेटा सोया हुआ है, वो उठने वाला है और फिर मेरा रिव्यू कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो मैं इसे निकाल दूंगी। ऑफ कोर्स थोड़ा यू नो टाइट टाइट फील होता है ड्राई होने के बाद, कोई भी आप फेस मास्क लगा लो थोड़ा सा टाइट फील होता है जब वो ड्राई होता है। सो इसके साथ फिलहाल मुझे कोई इरिटेशन वगैरह नहीं हुई है और अभी मैं इसको वॉश करने वाली हूँ। लेकिन वॉश करने का भी एक तरीका होता है, आपको सबसे पहले अपने फेस को थोड़ा सा यू नो पानी स्प्लैश करना पड़ेगा। लेट मी जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं थोड़ा स्प्लैश करके आई पैन। ओके, सो मैं पानी स्प्लैश करके आ गई हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथों से इसे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाना है ताकि निकालने में भी आसानी हो और ये जो प्रोडक्ट है आपकी स्किन में अच्छे से चले जाए। सो ये हो गया है, काफी टाइम हो गया है मुझे इसको रब करते हुए। अब आप मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, 1 मिनट में मैं इसका अपना फेस वॉश करके आती हूँ, फिर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सारा कंक्लूजन बताऊंगी कि ये कैसा काम करता है और वर्थ बाइंग है या नहीं। ओके, तो मैंने फेस वॉश कर लिया है, अब इसे मैं टॉवल से निकाल दूंगी, पानी है, एंड देखते हैं मिरर में कि इसका रिजल्ट क्या आया है। लेट्स सी। ओके,
Okay, so I'm literally feeling very, very, very fresh. So, okay, I can see जितना भी मैंने फेस पे मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया था सब निकल गया है और बहुत अच्छा लग रहा है। फेस मास्क लगाने के बाद ऑफ कोर्स स्किन थोड़ी सी ड्राई महसूस होती है, जिनकी स्पेशली जिनकी ड्राई स्किन हो। सो इसके बाद आपको जरूर मॉइस्चराइजर लगाना है। जिन ड्राई स्किन वालों को ही नहीं, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन है, सेंसिटिव है, कोई भी स्किन टाइप ले लो, आपको फेस मास्क के बाद ऑफ कोर्स मॉइस्चराइजर लगाना ही है, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्किन केयर रूटीन। सो मैं अभी लगाने वाली हूँ मॉइस्चराइजर। सो मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज करने वाली हूँ लैक्टोकैलामाइन का क्योलिन क्ले थेरेपी मॉइस्चराइजर, और इसे अपने पूरे फेस पे लगाने वाली हूँ, बिकॉज ये समर्स के लिए बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। बिल्कुल ऑयली ऑयली फील नहीं होगा आपको। सो मॉइस्चराइजर लग गया है, अब मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगी। तो मैंने ऑफ कोर्स नोटिस किया है कि जितना भी डर्ट था मेरे फेस में सारा निकल गया है, बहुत अच्छी बात है। आई कैन एक्चुअली सी माय स्किन ग्लोइंग, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसको सूखने में लाइक आधे घंटे से ज्यादा ही लगने वाला है, लाइक 35 मिनट्स तो लगने ही वाले हैं इसको सूखने में। सो 10-15 मिनट्स में ये ड्राई नहीं होगा। सो ऑफकोर्स अगर स्किन इम्प्योरिटीज निकल जाती है तो आपको एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, या फिर यू नो डल नहीं दिखेगी स्किन, थोड़ी ब्राइटन अप लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बेस्ट है ऑयली स्किन वालों के लिए, बिकॉज ऑफकोर्स जो स्किन पे जो ऑयल्स होते हैं ऊज आउट होते हैं आपकी स्किन से, वो निकाल देता है उसे कम्प्लीटली, मतलब जितना भी आपके फेस पे कुछ भी हो सब कुछ निकाल देगा ये। सो यस, आपको उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाना है जैसे मैंने। बट यस, ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइजर लगाना नहीं भूलना है, बिकॉज ये स्किन को थोड़ा सा ड्राई आउट करता है, बट दैट्स नॉट एन इशू। कोई भी फेस मास्क वो आपकी स्किन को ड्राई जरूर करेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स वो सारा इम्प्योरिटीज निकाल देता है इसलिए। सो यस, ओवरऑल मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बिकॉज ये स्किन की इम्प्योरिटीज निकाल देता है। स्किन की इम्प्योरिटीज निकलेंगी तो ऑफ कोर्स आपका स्किन ग्लो करेगा, और यू नो एक्ने फ्री रहेगा, पिंपल फ्री रहेगा। सो यस, आई 100% रिकमेंड दिस प्रोडक्ट। और हाँ, लास्ट में एक बात बताना, और मैं भूल गई कि दो ये टब छोटा है, बट आप इसको एटलीस्ट यू नो 3 बार और यूज करते हो। सो टोटल 3-4 बार आप इसको यूज कर सकते हो, इतना भी कम नहीं है इसकी क्वांटिटी। सो ओवरऑल यस, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है और मैं इसे 100% रिकमेंड करूंगी। काफी अफोर्डेबल है, सो यू कैन ऑफ कोर्स गो फॉर दिस प्रोडक्ट। सो यस, ये था मेरा रिव्यू इस प्रोडक्ट को लेके। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आता है तो डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में, जरूर लिख के बताइएगा। और हाँ, जाते थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।